6 बजे 7 बजे आप अपने दिमाग में लिख के जाओ आपने जिंदगी में ब्रुश नहीं करी, क्योंकि जो सुबह 6-7 बजे ब्रुश करी उसके 1 घंटे बाद खाना खा लिया, फिर हमारे दांतों पे खाना चिपक गया, उसके बाद ब्रुश नहीं करी, दोपहर को भी खाना खाया उसके बाद ब्रुश नहीं करी, रात को फिर खाना खाया शाम को उसके बाद ब्रुश नहीं करी। रात के टाइम हमारे दांत ज्यादा खराब होते हैं क्योंकि हमारा मुंह बंद रहता है, जो चीज जहां पे चिपकी हुई है वो वहीं पे चिपकी हुई है। आपने रात को 100% ब्रुश करके सोना है खाना खाने के बाद, उसके बाद कुछ नहीं खाना। सुबह उठते आपने ब्रुश करने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ के हमने सुबह खाना खाने के बाद ब्रुश करनी है। सुबह उठ के कुरला उरला कराया, 2 मिनट ब्रुश करनी है, 2 बार करनी है खाना खाने के बाद करनी है, बीच में अगर कोई चीज खाई है तो अच्छे से उंगली से कुरला कर लेना है, आपके दांत खराब नहीं होंगे। कोलगेट अंदर नहीं जानी चाहिए, कोलगेट बाहर निकलनी चाहिए। 6 साल तक के 8 साल तक के बच्चे को उसके माँ बाप ब्रुश करवाएंगे, ठीक है। और ये सभी ने ये लिख लो, कोलगेट 2 मिनट करनी है, 2 बार करनी है, खाना खाने के बाद करनी है, आपके दांत खराब नहीं होंगे। 8 साल तक के बच्चे को उसके माँ बाप ब्रुश करवाएंगे। बस ठीक है।